फर्स्ट लाइन में है सीएलएफ कमांड, जिससे हम जितनी बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे हर बार हमें एक फ्रेश ग्राफ मिलेगा। सेकंड लाइन में वेरिएबल एक्स को वैल्यूज असाइन की गई है, तो यहाँ पर एक्स की इनिशियल वैल्यू ली गई है 2, फाइनल वैल्यू 4 और 2 से 4 तक टोटल 100 वैल्यूज हम कंसिडर करने वाले हैं। एक बात ध्यान देना है कि जब भी हम किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक्स वेरिएबल को हमेशा ऐसी वैल्यूज असाइन करनी है ताकि उन वैल्यूज पर जिस फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं उसकी वैल्यू हमेशा एक रियल नंबर मिले। तो थर्ड लाइन में मैंने फिर प्लॉट कमांड दिया है, उसके बाद टाइप किया है एक्स। नेचुरल लॉग के लिए साइलैब में हम टाइप करते हैं एलओजी और फिर मैंने ब्रैकेट में 2x-3 के लिए कमांड दिया है। इसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें देखिए कुछ हमारा इस तरह का ग्राफ आता है। अगर हमने एक्स की वैल्यू 2 की जगह -2 ली होती तो उस केस में एक्स इक्वल -2 और एक्स की कुछ और वैल्यू उसके लिए हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आउटपुट में एक रियल नंबर नहीं मिलती और उस समय जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस केस में देखेंगे आप कि हमें एक ग्राफ नहीं मिलेगा बल्कि हमारा एक एरर मैसेज शो होगा कि एक्स की जो वैल्यू हमने असाइन की है उसके लिए आउटपुट में फंक्शन जो है एक रियल वैल्यू नहीं देता है और ग्राफ प्लॉट नहीं हो। प्रैक्टिकल को डिटेल में जानने के लिए और अपने फाइल में प्रैक्टिकल को लिखने